पिछले 2-3 महीने से रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी एक आईपीओ के लिए एक्साइटेड था वो है इस आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के लिए। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ ऐसे एक टाइम पे आ चुका है मार्केट पे जहां पे मार्केट अपना टॉप से लगभग 10% से आसपास गिर चुका है। इस टाइम पे सबका पोर्टफोलियो दोस्तों त्राही त्राही मार चुका है। क्या ये आईपीओ सबका पोर्टफोलियो ग्रीन ग्रीन कर देगा या आपका पोर्टफोलियो रेड कर देगा? दोस्तों कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है, तो इस आईपीओ डिटेल्स रिव्यू करने के दोस्तों आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा इस आईपीओ आपको कितना बड़ा लिस्टिंग गेन दे सकता है। क्या इस आईपीओ से अगर आपको बहुत ज्यादा मुनाफा लेना है तो आपके पास आपका हर फैमिली मेंबर के नाम पे एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट रहेगा उतना ज्यादा आपको अगर फायदा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होने का चांसेस है। दोस्तों अगर आपका पास ज्यादा डीमैट अकाउंट नहीं है, आपका हर फैमिली मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट नहीं है, आप चाहे तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको अगर किसी भी तरह का सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, आप तुरंत मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद दोस्तों आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा इस आईपीओ आपको कितना बड़ा लिस्टिंग गेन दे सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत कुछ डिटेल्स में बातचीत करूंगा दोस्तों, जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। चलिए सबसे पहले बेसिक कुछ जानकारी ले लेता है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस आईपीओ आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट दे सकता है, किसके साथ कंपेयर करके ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी आपके सामने मैं लॉजिक दिखाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन डिटेल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इशू दोस्तों करेगा 10,000 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू आपको 92.59 करोड़ का शेयर। देखिए तो फ्रेंड यहाँ पे आ चुके इसके डिटेल्स, थोड़ा सा ध्यान करके वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए फ्रेंड फ्रेश वैल्यू आपको 10 पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद तो डेट ऑफ आईपी ओपन होगा, देखिए दोस्तों प्राइस बैंड आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पे देख लीजिए इसका प्राइस बैंड 102 रुपया से 108 रुपया के बीच इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज भी देख लीजिए दोस्तों, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आ चुका है आपके सामने वो देख लीजिए। इम्प्लॉयर डिस्काउंट, अगर आप कंपनी का इंप्लॉयर है तो आपके लिए डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिला 5 रुपीज पर शेयर। ये अपने आप एक पॉजिटिव बात है जो आपको अगर आप इंप्लॉय है तो बहुत बात है। चलिए अभी सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, आईपीओ ओपन डेट देख लीजिए, आईपीओ क्लोज डेट देख लीजिए, अलॉटमेंट देख लीजिए, अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो रिफंड कब मिलेगा देख लीजिए, क्रेडिट शेयर डिमांड में आपको क्रेडिट होगा देखिए दोस्तों, और लिस्टिंग डेट भी आपके सामने आ चुका है। तो टोटल ये पहले आप देख लीजिए। चलिए तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपनी में पैसा लगाने से पहले, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये आपको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए एसेट देखिए दोस्तों जहाँ पे मार्च 2023 में कितना था, अभी कितना है, अभी कितना हो, एसेट के अंदर बहुत बड़ा बाउंस बैक हो, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है, आप बोल सकते हो बहुत बड़ा गुड, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है। रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों आप देख लीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ भी दोस्तों यहाँ पे आपको मोटा मोटी ठीक ठाक देखने को मिला। मार्च 2023 में बहुत ही डाउन था, मार्च 2024 में बहुत बड़ा जाम मारा था, उसके बाद थोड़ा सा घट के मोटा मोटी ठीक ठाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिला, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। नेटवर्थ भी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव बात है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल बोरिंग, टोटल बोरिंग भी दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे बोरिंग थोड़ा सा इंक्रीज आपको देखने को मिला। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के बारे में और डिटेल्स जानकारी ले रहे थे। आरओई देख लीजिए दोस्तों 7.39%, डेप्थ ऑफ इक्विटी देख 1.91, आरओएनडब्ल्यू देख लीजिए 2.14%, पेट मार्जिन देख लीजिए 16.2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। पी देख लीजिए पी आईपीओ और पोस्ट आईपीओ, ये तो आप देख लीजिए, देख लिया दोस्तों एक चला गया बेसिक। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है लिस्टिंग गेन आपको कितना हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ग्रे मार्केट कंडीशन क्या है दोस्तों। सबसे पहले ग्रे मार्केट हम लोग अगर प्राइस देखें तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ग्रे मार्केट प्राइस देखिए, ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से अभी इसका लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है 0.93%। देखिए 17 तारीख का लास्ट ट्रेडिंग डे का हिसाब से जो कंडीशन था उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिला, लेकिन लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है 1% से भी थोड़ा सा कम। देखिए इससे पहले हम लोग बात करें, हम लोग अगर 13 तारीख देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट का जो प्राइस था जीएमपी था वो अच्छा था,
उस हिसाब से कितना हो सकता था। इससे पहले और भी थोड़ा सा अगर हम नीचे जाए दोस्तों 10-11 में देखिए दोस्तों लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है दोस्तों आपको 16% के आसपास। उससे पहले हम लोग 9 तारीख अगर जाएगा तो पीछे अगर जाता तो देखिए लिस्टिंग गेन हो सकता था आपको 25% के आसपास। मतलब दोस्तों इस लिस्टिंग गेन डिक्रीज कैसे हो गया, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन आया है दोस्तों। यहाँ पे एक फैक्टर है दोस्तों, अगर मार्केट मंडे से, अभी देखिए इसका तो आपको एक चीज देख लीजिए दोस्तों, लिस्टिंग डेट 27 तारीख, मतलब दोस्तों 27 तारीख अभी बहुत बाकी है दोस्तों, लगभग 10 दिन के आसपास बाकी है। तो इस बीच अगर मार्केट के अंदर जबरदस्त करेक्शन हो जाएगा दोस्तों, जबरदस्त करेक्शन हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा एनटीबीसी ग्रीन आपका पोर्टफोलियो को ग्रीन ग्रीन कर सकता है, बहुत ही बड़ा ग्रीन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, देखिए जहां पे ग्रे मार्केट में देखिए दोस्तों जहां पे 25% था 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन के आसपास, 7-8 दिन में हम लोग अगर पीछे चल जाएगा तो उसका ग्रे मार्केट का जिस हिसाब से प्राइस था उस हिसाब से आपका लिस्टिंग गेन 25% के आसपास होना चाहिए था। लेकिन इस 7-8-9 दिन के बाद जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया उसके बेस पे आपको लिस्टिंग के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि दोस्तों मार्केट गिरा है दोस्तों, ओवरऑल सब कुछ गिरा है, जिसके चलते इसका ग्रे मार्केट का प्राइस भी गिरा है, इसके चलते इसका लिस्टिंग भाव कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अगर इस कुछ दिन अभी मार्केट मंडे से अगर चलेगा तो मेरे ख्याल से इसका लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पे जैसा आपको देखने को मिला 25% हम लोगों का 9 तारीख देखिए, 9 तारीख अगर मार्केट में लिस्टिंग होता तो आपको 25% के आसपास मुनाफा मिलने का चांसेस था। जितना दिन जा रहा है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि कुछ दिन के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ही हद तक करेक्शन हो चुका है, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिला। तो फैक्ट आपके सामने से अगर मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक देगा तो ये बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है, ये है दोस्तों फैक्ट। अगर आपको लगता है दोस्तों इस वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको लिस्टिंग गेन लेना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो आपको आपके पास ज्यादा डीमैट अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। आपका एक पैन कार्ड से एक डीमैट अकाउंट होगा, मतलब दोस्तों अगर आपके पास 4-5 फैमिली मेंबर है सबका अगर आप एक एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर दोगे, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपको 1 दिन के अंदर मेरे ख्याल से आपको डीमैट अकाउंट बन सकते हैं दोस्तों, आप बना लीजिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।